हाय गाइस, वेलकम बैक टू यूनिक टेक्निकल सर्विस। आज इस वीडियो में हम स्कॉट्समैन का MV1006 आइस मशीन का योऑपरेटर कॉयल रिप्लेस कर रहे हैं। योऑपरेटर कॉयल क्यों रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब इसमें जो बहुत सारा जो अलार्म आ रहा था और अलग अलग जो टाइप का जो प्रॉब्लम था, कभी आइस ज़्यादा बन जाते हैं, कभी हार्वेस्टिंग नहीं होता है, कभी ऊपर का साइड में आइस आ जाए, नीचे का साइड में आइस आ जाता है, ऐसा बहुत सारा जो प्रॉब्लम है। इसलिए हम लोग क्या कर दे, इसका जो योऑपरेटर जो कॉयल है रिप्लेस करने के लिए, उसको कॉयल इधर से जो निकाल दिया। जैसे कि इधर देख सकते हैं, ये वाला जो पीछे से हमारा जो कंप्रेसर से पाइप इनलेट होते, ऊपर वाला जो साइड से आउट होता है, ये वाला जो हार्वेस्टिंग सोलेनोइड है ना, जो प्रेस करने के लिए, ये वाला जो सोलेनोइड का जो पॉइंट है, जब कॉयल रहता है आपको बराबर नहीं दिख रहा, अभी प्रॉपरली जो दिखता होगा इसी में से। और इसमें जो स्क्रूज देख सकते हैं, इसमें जो योऑपरेटर कॉयल अटैच रहते, जो हैंग करके जो रख सकते हैं। इसके बाद में हम जो सोलेनोइड का जो प्रॉब्लम्स है, जैसे कि हार्वेस्टिंग टाइम में प्रॉब्लम आता था, जो कॉइल का जो टेम्परेचर जो हीट एक्सचेंज होते कॉइल और हमारा जो क्यूब का बेस, इसका वजह से इसको योऑपरेटर का रिप्लेस जो करना पड़ रहा है। जैसे कि इसका पीछे की तरफ देख सकते हैं आप, जो योऑपरेटर जो कॉइल अटैच था, ये वाला जो ट्यूब देख सकते हैं, ये इन एंड आउट, इसमें से हम ब्रेजिंग निकाल के इसको हटा दिया हुआ है। जो नया जो योऑपरेटर है, हम इसका साथ जो अटैच करने वाले, उसके साथ जो रिप्लेस करने के टाइम हम ड्रायर फिल्टर भी रिप्लेस करेंगे, क्योंकि जो भी मॉइस्चर गीचर होगा पुराना, प्रॉब्लम्स का वजह से भी हो सकते हैं। इसका वजह से एक बार जो योऑपरेटर रिप्लेस करने के टाइम सेम टाइम ड्रायर फिल्टर को भी रिप्लेस करेगा तो अच्छा रहता है, क्योंकि कूलिंग एफिशिएंसी और मिलेगा। और इसको रिप्लेस करने के लिए हम एक्सपेंशन वाल के ऊपर जो कोटिंग करके, जो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए बोल के, उसके ऊपर भी जो कोटिंग करके ब्रेजिंग करेंगे। जैसे कि देख सकते हैं, ये वाला हम ड्रायर फिल्टर जो रिप्लेस जो करने वाले, मॉडल में थोड़ा फ़र्क है और फिर भी सेम गैस का है, हम इसी को इसके ऊपर जो रिप्लेस जो करने वाला है। ब्रेजिंग टाइप है, इसमें फ्लेयर टाइप, इस मशीन में फ्लेयर टाइप जो नहीं आते, ब्रेजिंग टाइप है। तो ब्रेजिंग निकाल के हम ये वाला जो ड्रायर फिल्टर को रिप्लेस करने के बाद ही योऑपरेटर इसका साथ जो फिक्स करने वाला है। जैसे कि देख सकते हैं, हम अभी ड्रायर फिल्टर को निकाल दिया, ब्रेजिंग निकाल के, जैसे जो कपड़ा बांधा हुआ है एक्सपेंशन वाल के ऊपर, क्योंकि हीट ज़्यादा एक्सपेंशन वाल को नहीं मिलना चाहिए बोल के, क्योंकि ज़्यादा हीट हो गए तो वो डैमेज होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। अभी हम नया वाला ड्रायर फिल्टर इसके साथ अटैच करेंगे, क्योंकि फ्लशिंग ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मशीन जो चलता हुआ मशीन था, इसके लिए हम फ्लशिंग जो नहीं किया हुआ है। जैसे कि ड्रायर फिल्टर देख सकते हैं, ये ड्रायर फिल्टर इसके साथ जो ब्रेजिंग हो चुका है, फ्लशिंग करना है तो आपको जो कर सकते, ज़्यादा कार्बन गिरन का प्रॉब्लम है तो जो कर सकते, नहीं है तो जो बिना फ्लशिंग से ड्रायर फिल्टर रिप्लेस करके भी डाल सकते, क्योंकि छोटा यूनिट है, ज़्यादा बड़ा यूनिट नहीं है। इसके अंदर जो ट्यूबिंग का जो हमारा जो कनेक्शन होते, जैसे कि हम ये जो ट्यूब का जो एंड होता है, इधर ही हम जो योऑपरेटर कॉइल को जो फिक्स कर लेते हैं। योऑपरेटर कॉइल फिक्स करने के पहले आपको योऑपरेटर का प्रॉब्लम क्या मालूम होने के लिए मैं थोड़ा उसका जो दिखाता हूँ, जैसे क्या प्रॉब्लम था योऑपरेटर में। जैसे कि अभी देख सकते हैं, ये वाला जो योऑपरेटर कॉइल जो पुराना है, जो क्यूब का जो पीछे अटैच रहता है, ये वाला क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा आप लॉन्ग टाइम से यूज़ करें, 5-6 साल हो गए, तब क्या होता है, ये जो ट्यूब जो अटैच है हमारा प्लेट के साथ, वो अपने आप ही डिटैच हो जाते हैं। जैसे कि उसके ऊपर जो कोटिंग होते हैं, वो कोटिंग पुराना कोल्ड हीट डिफ्रॉस्टिंग ऑटोमेटिक होके ये क्या होता है, ऑटोमेटिकली प्लेट से डिटैच होता है। जैसे कि देख सकते हैं, इसका बीच में देखिए गैप आया हुआ है, ये गैप आने से क्या होता है, कूलिंग जब गैस फ्लो होते जो ट्यूब का सा, वो प्लेट को प्रॉपरली हीट एक्सचेंज नहीं करते। तो प्रॉपरली हीट एक्सचेंज नहीं करने की वजह से कभी कभी डिफ्रॉस्टिंग होने का टाइम प्रॉब्लम होता है, कभी आइस बनने के टाइम प्रॉब्लम होता है। इसका आगे भी आगे वाला जो क्यूब ट्रे हो सकते हैं, इसमें भी देख सकते हैं, ये भी डिटैच हो जाता है, ये भी प्लेट से छोड़ के बाहर आ जाता है। जैसे कि आपको ऐसा वाला प्रॉब्लम है तो सेम प्रॉब्लम आपको रिप्लेस करना ही पड़ेगा। हम लोग ब्रेजिंग करके ट्राई किया इसके ऊपर, बट कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि पानी इसका नीचे चला जाता है, इसका वजह से इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। क्वायर का जो ये देख सकते क्यूब देख सकते, इसका पीछे भी आइस बन गया तो क्या होता है, डिफ्रॉस्टिंग जो होने का टाइम आइस जो गिरता नहीं है, तभी दूसरा ऑपरेशन उसका ऊपर ही चला जाता है, तो ऐसा तरफ का प्रॉब्लम आते तब वार्निंग लाइट आपको इंडिकेट होता है। तो योऑपरेटर कॉइल की वजह से भी वार्निंग लाइट जो इंडिकेट होता है। ये देख सकते हैं, ये वाला जो नया जैसे ये ट्यूब देख सकते हैं, इसका हमारा जो क्यूब ट्रे होता है उसका बीच में कोई भी गैप नहीं, ये क्लियरली सील्ड है। जो एक जो लिक्विड जैसा जो ब्रेजिंग टाइप है, ब्रेजिंग नहीं है, जो लिक्विड का जो कोटिंग होता है, कोटिंग करके इसको प्रॉपरली सील किया हो, जैसे कि पानी डायरेक्टली उसका ट्यूब का क्यूब का पीछे से कोई गैप नहीं है, तो क्यूब इसका बीच में जो साइड में गैप होते पानी फ्लो होने के लिए,
बट कोई भी जो प्लेट और प्लेट के बीच में कोई भी गैप नहीं है, पानी इसके बीच में फ्लो नहीं हो सकते, सो इसमें वो वाला जो प्रॉब्लम नहीं आता है। पुराने में क्या था, ये प्लेट वो बॉडी से ऊपर उठ के आए तो पानी बीच में चला जाता, बीच में चला गया तो जब कूलिंग हो जाता है बीच में भी आइस बन जाता है, जब हार्वेस्टिंग होने के टाइम क्या होता है ये गिरता नहीं, गिरने का वजह से हमको हार्वेस्टिंग का टाइम वार्निंग आलरम आ जाता है, फिर से हमको रिसेट करना पड़ता है, ये बार बार प्रॉब्लम आते रहते हैं। जैसे इसका पीछे भी देख सकते हैं ये प्रॉपरली सील्ड है अभी, मतलब कोई भी गैप्स नहीं है, पुराने में गैप आया हुआ था क्योंकि ये कोटिंग चला जाके जो ब्रेजिंग जो भी होता है उसका बीच में से हमको हीट एक्सचेंजर का प्रॉब्लम हो रहा है, हीट एक्सचेंज प्रॉपरली नहीं होने के वजह से हमारा ये ऑपरेटर में अलार्म्स बार बार आते हैं। और एक चीज़ हम ध्यान में रखना चाहिए कि हम जब मशीन को बहुत लॉन्ग टाइम के लिए ऑफ करके रखा हुआ है, 2-3 महीने ऑफ है, तब क्या करना चाहिए, कभी भी मशीन रिस्टार्ट करने का टाइम जो कंप्रेसर का नीचे जो क्रैंकेस हीटर होता है, कोई कोई जगह में हीटर डाला हुआ था अंदर रहते हैं, कोई कोई टाइप में जो बेल्ट रहता है, तब क्या करना पड़ेगा, मशीन हम फिर से ऑन करने का पहले 1-2 घंटा पहले उस हीटर को ऑन करके रखना चाहिए, क्योंकि ऑयल का टेम्परेचर हमको ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग टाइम ऑफ है तो जब मशीन फिर से स्टार्ट होता है ऑयल का जो थिकनेस भी ज़्यादा हुआ रहता है और बराबर फ्लो नहीं करेगा, सेम टाइम में हमारा जो कंप्रेसर को प्रॉब्लम हो सकते हैं, पिस्टन रॉड पिस्टन सब डैमेज हो सकते हैं, सो मशीन रिस्टार्ट करने का पहले 1-2 घंटा नहीं तो 4-5 घंटा पहले आपको हीटर ऑन करके रखना चाहिए मशीन का सेफ्टी के लिए। जैसे अभी देख सकते हैं हम इवेपोरेटर कॉइल अटैच किया, इसको अभी हम इसके साथ ब्रेजिंग करना चाहिए, इसका जैसे आगे देख सकते हैं ऐसा जो फिट होता है ये इसका सामने से, इसके ऊपर ही पानी जो फ्लो होते हैं वो बाद में आप जो देख सकते हैं, जैसे कि ये नीचे वाला पॉइंट जो इनलेट है ऊपर वाला पॉइंट से जो आउट होता है, इसका एक मैग्नेटिक जो सेंसर है इसका जो साइड में अटैच हुआ रहता है वो भी हमको अटैच करना पड़ेगा। जैसे कि हम अभी क्या करेंगे, पहले ब्रेजिंग कर लेते हैं, ब्रेजिंग करके उसका बाद में देख लेते कोई लीक है ऐसा कुछ जो चेक करके उसके बाद में वैक्यूम कर लेते। अभी हम ब्रेजिंग हो चुका है क्योंकि आप ये सब ब्रेजिंग का भी वीडियो दिखाया था बहुत लॉन्ग हो जाए इसलिए मैं शॉर्ट करके दिखा रहा हूँ। जैसे कि अभी इसके साथ हम ब्रेजिंग कर चुके हैं, ब्रेजिंग करने के बाद क्या होगा, मशीन जो कंप्लीट जो सर्क्यूट है वो क्लोज हो चुका है। जैसे कि हम ड्रायर फिल्टर का वेल्ड किया था, इवेपोरेटर कॉइल का भी जो ब्रेजिंग किया था, जो बहुत सारा जगह में ब्रेजिंग किया, इसके वजह से हम प्रेशर डाल के चेक करेंगे, जैसे कि आपका नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन डाल सकते, नहीं तो सेम रेफ्रिजरेंट है तो भी 404 जो भी है उसको भी डाल के टेम्प्ररी थोड़ा लीक चेक करने के लिए यूज़ जो करा सकते हैं। छोटा सर्क्यूट है, बड़ा नहीं है, इसकी वजह से आपको पता है कौन सा जगह में आप ब्रेजिंग किया है, वही जो पॉइंट्स होते हैं उसको प्रॉपरली सोप डाल के लीक जो चेक कर चुका है चेक करेगा तो आपको आगे जाके लीक का प्रॉब्लम जो नहीं आएगा। तो इसलिए हम क्या कर दिया, इसको जो सोप डाल के लीक जो चेक कर लिया, कोई भी लीक नहीं है अभी, कोई भी हमारा जो कॉपर जो जॉइंट्स होते हैं उसमें हमको लीक नहीं मिला। अभी क्या करेंगे, आगे वाला जो पार्ट्स होते हैं वाटर टैंक पंप उसका जो फ्लैप्स होते हैं सारा जो फिक्स करेंगे, उसके साथ सेम टाइम हम इसको जैसे कि देख सकते हैं डिस्चार्ज ऑन सक्शन लाइन है, इसके साथ में वैक्यूम में डालते थे, वैक्यूम अभी ऑलरेडी चालू हो चुका है, जैसे कि देख सकते हैं 0 से नीचे गया हुआ है। वैक्यूम पंप का डालने की वजह से आपको जो भी अंदर मॉइस्चर रहता है वो सारा जो क्लीन होके फिर से आप रेफ्रिजरेंट चार्ज करेंगे तो प्रॉपरली मशीन जो चलेगा, क्योंकि नेगेटिव टेम्परेचर जब मेंटेन करते हैं हमको वैक्यूम मॉइस्चर निकालना वो प्रॉपरली करना पड़ता है, इसका वजह से हमको वैक्यूम बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम में डालना चाहिए। सेम टाइम में हम जो इंसुलेशंस होते हैं जो भी जो ट्यूब का निकालो फिर से इंसुलेट जो कर लिया, क्योंकि फिर से चालू होने के बाद इधर जो मॉइस्चर आ जाए तो इंसुलेशन करने में मुश्किल होते हैं, जो पहले हम लोग वैक्यूम करने के टाइम सेम टाइम में ये इंसुलेशन जो कर लेते हैं। अभी हम देख सकते हैं इसको गैस चार्जिंग मैं जो कौन सा प्रोसेस जो यूज़ करता हूँ बोलेगा तो मशीन के ऊपर जो लिखा रहते हैं 160 kg, जैसे 1600 ग्राम, उस हिसाब से हम मैं ग्राम के हिसाब से जो चार्ज करता हूँ, क्योंकि प्रेशर के हिसाब से चार्ज करना जो मुश्किल होता है क्योंकि ये लो टेम्परेचर मेंटेन करने वाला, जैसे कि 405 जो सिलेंडर जो वेट स्केल के ऊपर रखना चाहिए, फिर इसको 0 में जो सेट करना है, उसका बाद में हम जो मशीन को जो रेफ्रिजरेंट चार्ज करना स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि अभी नेगेटिव में था हम लोग ने प्रेशर ऑन किया हुआ है, जैसे कि वेपर चार्ज कोई किसी का जो कन्फ्यूज रहते हैं वेपर चार्ज करना है जो लिक्विड चार्ज करना है वो आपके हिसाब से चार्ज कर सकते हैं। आप लिक्विड लाइन में चार्ज करते हैं तो लिक्विड चार्ज करो, सक्शन लाइन में चार्ज करते हैं तो वेपर चार्ज करो, जैसे आप जो जिधर चार्ज करते हैं उसके हिसाब में। हम सक्शन लाइन को चार्ज कर रहे हैं इसका वजह से हम वेपर ही चार्ज जो कर रहे हैं, जैसे कि अभी देख सकते हैं प्रेशर हम ऑलरेडी ओपन किया, इधर देख सकते हैं -55, ऐसे धीरे धीरे ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाता मतलब हमको कितना चाहिए 1 kg 600
ग्राम तक हमको डालना पड़ेगा। ये धीरे धीरे अपने आप चार्ज होते हैं। जब मशीन चार्ज नहीं होते हम क्या करना पड़ेगा, मतलब होल्ड हो गए तो हमको मशीन को स्टार्ट करके चार्ज करना पड़ेगा। जैसे कि अभी मैं मशीन स्टार्ट किया हूँ, जो कंप्रेसर स्टार्ट करके, कंप्रेसर स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक गैस जो खींचना जो शुरू हो जाए, चार्जिंग हमारा थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो जल्दी के चक्कर में कोई लिक्विड चार्ज सक्शन लाइन में नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंप्रेसर को डैमेज होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 kg 255 ग्राम चार्ज हो चुके हैं। हमको कितना करना है, 1 kg 600 ग्राम चार्ज करना है। क्योंकि मैं ग्राम का हिसाब से क्यों चार्ज कर रहा हूँ, प्रेशर के हिसाब चार्ज करने के मुश्किल होते हैं, क्योंकि जब आइस बनने के टाइम प्रेशर धीरे धीरे नीचे आ जाता है, डिफ्रॉस्टिंग टाइम प्रेशर ऊपर जाता है, इसमें वेरिएशन है जो प्रेशर में। जैसे कि आप देख सकते हैं पानी का फ्लो है, पानी ठंडा होना भी स्टार्ट हो गया। जैसे धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन होते जाते हैं, हमारा आइस जो बनते जाते हैं। सो कभी भी ऐसा वाला छोटा मशीन, फिक्स्ड मशीन है, मशीन में जो स्पेसिफिकेशन में जो जितना ग्राम लिखे सेम ग्राम चार्ज करना है, कोई भी प्रॉब्लम जो नहीं आएगा। प्रेशर के हिसाब में चार्ज करने गए तो आपको प्रॉब्लम होएगा, जैसे कि वाटर टेम्परेचर डाउन होते जाएगा तो आपको प्रेशर डाउन होते जाएगा, आप सोचेंगे चार्ज प्रॉपरली नहीं होगा, फिर दोबारा गैस जो डालते रहें, तो उस प्रॉब्लम का वजह से प्रेशर को देखना ही नहीं है, सीधा कितना किलोग्राम है उसका हिसाब से चार्ज करने का। तो मशीन के जो कैपेसिटी के हिसाब से आपको आइस बनते जाएगा। तो मेरा हिसाब से वेट देख के चार्ज करना जो बेस्ट होता है, ऐसा वाला जो यूनिट में, जैसे कि अभी देख सकते हैं 1575 हो गए, 1600 में हम स्टॉप करेंगे, क्योंकि जो मशीन का जैसे उन लोगों ने दिया हुआ है उस हिसाब से हम चार्ज कर रहे हैं। आपका हिसाब से अलग अलग टाइप में कोई लोग जो प्रेशर के हिसाब में चार्ज करते हैं वो रॉन्ग नहीं है, बट परफेक्ट एफिशिएंसी चाहिए तो आपको मशीन का जो उन लोगों ने दिया हुआ है जो स्पेसिफिकेशन उस हिसाब से चार्ज करेगा। तो आपको आगे जाके कोई आइस लेट बन रहा है, डिफ्रॉस्टिंग बराबर नहीं हो रहा है, एफिशिएंसी कम हो रहा है, तो वो प्रॉब्लम जो नहीं आएगा। जैसे अभी हो गया, हम स्टॉप कर देते हैं, अभी मशीन देख सकते नॉर्मल ऑपरेशन जो चल रहा है, प्रेशर अब एम्पियर भी देख सकते हैं 9.1 जो ले रहे हैं, ये नॉर्मल ऑपरेशन। अभी 9.1 मतलब कूलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, जब मशीन चलते हैं 12 में चला जाते हैं, फिर से धीरे धीरे आइस बन जाता है, एम्पियर भी कम हो जाता है, जो प्रेशर भी जो कम होते हैं। अभी देख सकते हैं ये हार्वेस्टिंग में जो चला गया, अभी जो प्रेशर देख ऊपर चला गया, एम्पियर भी जो ऊपर चला गया। हार्वेस्टिंग टाइम में जैसे कि आपको पता है जो सोलनॉइड एक्टिवेट हो जाते हैं, जो कंडेंसर में जो हॉट गैस नहीं जाते सीधा इवेपोरेटर में जो चला जाता है, इवेपोरेटर में चला जाके क्या करेगा, जो आइस जो क्यूब बना है उसको डिफ्रॉस्टिंग जो करने के लिए, डिफ्रॉस्टिंग मतलब आइस को जो हार्वेस्ट करना है, जो गिराना है, गिराने के लिए वो वाला जो सोलनॉइड एक्टिवेट हो जाता है। सेम टाइम ही आप इधर जो सोलनॉइड जो पुश बटन है हार्वेस्टिंग के लिए जो सपोर्ट करने वाला ये वाला है, ये भी उसका जो सेम टाइम में जो प्रेशर जो डिफ्रॉस्टिंग करने के लिए हेल्प जो करता है। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं ये हार्वेस्टिंग होना जो स्टार्ट हो चुका है, जैसे कि पानी ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाते, पानी जैसे जो स्टॉप हो जाते हार्वेस्टिंग के लिए आइस क्यूब को गिराने के लिए जो कोशिश जो करता है। जैसे कि अभी देख सकते हैं आगे वाला फ्लैप है, जैसे आगे जो हार्वेस्टिंग हो जाते आइस इसका जो फ्लैप को जो धक्का मार के जो गिरता है, जैसे कि अभी आप देखेंगे तो वो धीरे 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 आइस मेल्ट होते जाते आगे 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 आ जाते। अभी ध्यान से देखिए तो जो मालूम पड़ेगा फ्लैप अभी मूव हो रहा है, मूव होके क्या होता है आइस सडनली नीचे गिर जाते, जैसे कि अभी देख सकते हैं आइस जो नीचे जो गिर गए जो नीचे वाला बिन में जाके जो कलेक्ट होता है। उसके बाद में जैसे मशीन फिर से नॉर्मल बैक टू नॉर्मल ऑपरेशन में आके फिर से आइस बनना जो शुरू होता है, यही जो इसका जो नॉर्मल प्रोसेस है, आइस बनना फिर से हार्वेस्टिंग करना फिर से आइस बनना स्टार्ट हो जाए, ये नॉर्मल ऑपरेशन है। आइस मशीन का इवेपोरेटर रिप्लेसमेंट जो करने का जो प्रोसीजर आप लोगों ने देखा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक्स और कमेंट कीजिए, हमारा जो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।